जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है फॉरेस्ट गार्ड के 291 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज निकल कर आया है और आप लोगों का इंतजार अब फाइनली खत्म होने वाला है और आरक्षण मामले की वजह से ये सभी भर्ती प्रक्रिया जो फिजिकल टेस्ट होना था आगे का पूरा प्रोसीजर जो है लटका था। अब छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का मामला जो है सॉल्व हो चुका है और 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजन भी किया है और कैबिनेट से जो है 76% आरक्षण को जो है मंजूरी मिल चुका है। तो इसी कड़ी में जो है आज एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन। फॉरेस्ट गार्ड 291 पदों पर भर्ती, खुशखबरी, आप सभी स्टूडेंट के लिए आवेदन करना शुरू हो गया है। तो किस तरीके से जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, किस तरीके से आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे और कौन कौन से बुक्स आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करने दिए हैं, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या होता है, बुक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो है आप कौन कौन से बुक्स हैं आपको जो है पढ़ाई करना है। अगर आपको पुस्तकों के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि किस तरीके से कौन कौन से बुक्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे जिससे हमारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाए, तब तक आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर नहीं ला सकते। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हो और 291 पोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अब देखिए 291 पोस्ट निकला है, आप लोग ये सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ में तब इसके लिए लगभग 4 लाख स्टूडेंट जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उन सभी के बीच में हम कंपटीशन कहाँ से कर पाएंगे, हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो ऐसे अगर आपके मेंटेलिटी है, थॉट प्रोसेस है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस मिलेगा। आपको ज़िंदगी में कुछ भी सक्सेस मिलने वाला नहीं है अगर आप ये सोचेंगे कि 4 लाख फॉर्म फिलअप करेंगे, पोस्ट है तो 291 है, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। जैसे CGPSC में चपरासी का निकला था प्यून का 91 पोस्ट और इसके लिए जो है 225,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसे अगर आप सोचेंगे कि पोस्ट वैकेंसीज कम है, फॉर्म फिलअप ज़्यादा होंगे, तो हम कहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे, उन सभी स्टूडेंट को कहाँ बीट कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपको कभी किसी से कंपेयर करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है, कभी भी अपने आप को दूसरों से जज करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला और कभी भी कंपटीशन किसी और से नहीं होता है, कंपटीशन खुद से होता है, अपने आप से होता है। बस आपको अपने आप पर जो है, खुद के ऊपर जो है भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं अगर 100% दे रहा हूँ एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, फुल एफर्ट फुल एनर्जी लगा रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, तो उसका एक बेहतर रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा। ये चीज़ें होना चाहिए और कभी भी अपने आप को लो फील मत कराना, लो कॉन्फिडेंस आप में नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस आप में नहीं होना चाहिए, अति आत्मविश्वास भी सही नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए। और आपका यदि कम परसेंट है किसी भी सब्जेक्ट में हो, या फिर आप मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, GK में, बाकी कोई भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, तो उस वीक पॉइंट को जो है ये सोच करके ये सब्जेक्ट मेरे से सही नहीं होता, ये सोचकर अब शायद मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट वैकेंसीज का मिलना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, किस्मत हम खुद बनाते हैं। तो आने वाले समय को बेहतर बनाने चाहते हो तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दो, फ्यूचर के बारे में भी सोचना बंद कर दो, सिर्फ अपने मन को वर्तमान क्षण पर जो है केंद्रित करो। अगर आप प्रेजेंट टाइम में जियोगे, प्रेजेंट टाइम में मेहनत करोगे, तो तुम्हारा भविष्य बनेगा। पास्ट के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद मत करो। तो छत्तीसगढ़ में जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पोस्ट निकल कर आया है फॉरेस्ट गार्ड के 291 पदों पर, जिसमें आप लोग बिल्कुल ही आसानी से जो आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपको जो है जॉब ज़रूर मिल पाएगा और आपकी ज़िंदगी जो है बन सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अब बात करें कि किस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से बुक्स आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, और आगे मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बुक लिस्ट की बात करें, तो सबसे पहले इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहता है छत्तीसगढ़, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट जानकारी नॉलेज पूछे जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके अलावा जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर के बुक से जो है तैयारी करेंगे, तो आपके छत्तीसगढ़ की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको जो है समसामयिक घटना चक्र के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज होगा, उतने ही अच्छे से आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं।
तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बेहतर से बेहतर जो है प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप पर जो है भरोसा करना सीखो। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ अन्य बुक्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपका ग्रामर्स आता है, आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश के ग्रामर्स नहीं आता, तो ग्रामर्स की प्रिपरेशन आप शुरू से करना चाहते हैं तो ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी यदि आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इसेंशियल इंग्लिश अश्विन सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश अश्विन सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करेंगे तो आपके ग्रामर्स के बारे में आपको कंप्लीट ए टू जेड मिल जाएगा। तो इन सभी से जो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी आप जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर में आपका बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा। इसके साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको अपने आप पर जो है भरोसा होना चाहिए। कैसी ताकत है, ये कैसी एनर्जी है जिससे हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके दोस्त अगर आपको बोले कि तुम इस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे, तो आप में थोड़ी देर के लिए ये होगा कि हाँ 10% ही आपके अंदर एक एनर्जी आता है कि हाँ मेरे दोस्त ने बोला है। लेकिन वहीं अगर आपके गर्लफ्रेंड ने अगर कहीं आपको बोल दिया, जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं, अगर उसने कहीं बोल दिया कि तुम इस कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है, तुम 100% जो है मेहनत कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आपको बोलेगी, जिसे तुम अच्छे से सच्ची मोहब्बत करते हो, तो अलग ही एनर्जी तुम्हारे अंदर, कुछ अलग ही इन्फिनिटी लेवल का कुछ पावर आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ अब कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। ये होता है आपके अंदर एक एनर्जी आता है, एक अलग ही चार्ज बूस्टर जो है आपके अंदर आ जाता है। तो ये होता है। तो ज़िंदगी अगर आपकी बदलनी रहती है तो, और एक छोटी सी चीज़ पर भी आपकी जो है बदल सकते हैं। तो एक छोटे छोटे एग्जांपल होते हैं, तो आप लोग बेहतर समझ पाए होगे एग्जांपल्स को। तो आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है फॉरेस्ट गार्ड के 291 पदों पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती निकल कर आया है, जिसमें आप आवेदन कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाइए, एक अच्छी सैलरी पाइए, फिर आप जिस भी लड़की से मोहब्बत करते हैं शिद्दत से, वो सभी चीज़ मिलेगी। आपके ज़िंदगी के हर एक ख्वाब, हर एक सपने पूरे होंगे। तो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए, पैकेज चाहिए। मेरा मोटिव आप लोगों को डिमोटिवेट करना नहीं है, मेरा मोटिव है आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, गवर्नमेंट जॉब पाए, यही सबसे मेन उद्देश्य है। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरे बातों पर गौर कीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।